माधोपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक एना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है, तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है, कौन है ये? मम, ये एना है, मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक एना से कहता है, एना ये मेरे मॉम डैड है। मयंक के ये कहते ही एना अंजू के पाँव छूते हुए कहती है, पाँव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे एना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। I'm sorry सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, एना मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक, तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही एना उनके पाँव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या, पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया, सॉरी। पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया। अब बस भी करो एनक, मेरा मतलब है एना, जो भी है तुम्हारा नाम, सारा दिन पैर ही छूती रहोगी। खैर जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा ये सब चल क्या रहा है, क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। एना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार एना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मति ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। एना तुम यही रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर एना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद एना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोस ने उसके घर आती है। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिरंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं। हाँ हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों, इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है, जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा, हम जाते हैं, चल चले। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर एना अपने पति से कहती है, मयंक हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर एना किचन में जाती है। वहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाए, हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं, हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी एना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। एना बगल में रखी लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही एना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है, बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम। अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं।
उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम चले, कहाँ से उठा कर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में, जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे। अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक, जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है, उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए। अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम हम तुम्हारे वास्ते चाय बना कर लाया। सुनो जी, क्या ये अपनी बहू ऐना ही है? यस सासू माँ, हम आपका बहू ऐना ही है। हमको मयंक ने सब समझा दिया है, यहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। इससे पहले हमसे जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ तो हमको ये सब नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने की कोशिश करूँगी। ऐना की बातें सुनकर अंजू और संदीप भावुक होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी प्यारी है। बेटा तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इसके बाद अंजू ऐना को हर काम सिखा देती है। कुछ ही महीनों में ऐना इंडियन खाना, यहाँ के रीति रिवाज और भाषा अच्छे से सीख जाती है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।